हे गाइस, वेलकम टू द वीकली मूवी रिकमेंडेशंस विद संकेत। सो आज का मेरा पहला रिकमेंडेशन है 2016 की एक इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय टॉम फोर्ड, स्टारिंग एमी एडम्स, जेक जिलनहाल, एरन टेलर जॉनसन एंड माइकल शैनन। सो ये फिल्म में एमी एडम्स की जो कैरेक्टर है वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट रहती है, और फिर जाके एक दिन उनके लाइफ में एक मैनुस्क्रिप्ट आता है, एक नॉवेल का मैनुस्क्रिप्ट आता है जो उनके एक्स हस्बैंड ने भेजी रहती है। सो वो मैनुस्क्रिप्ट उनको पढ़ना रहता है, सिंस उनके एक्स हस्बैंड ने बोला रहता है कि ये पढ़ने। सो वो नॉवेल में, वो बुक में क्या होता है, उसके लिए ये फिल्म आपको देखना होगा। सो बेसिकली ये फिल्म एक्चुअली डायरेक्ट किया था टॉम फोर्ड ने, और जैसे कि बहुत लोग जानते होंगे, टॉम फोर्ड एक इंटरनेशनली वेल नोन फैशन डिज़ाइनर है। लेकिन जब भी मैंने ये फिल्म देखी थी, तभी लाइक दिस फिल्म ब्लू मी अवे इतना, क्योंकि ये फिल्म इतना डार्क और इतना ब्रूटल है और इतना रियलिस्टिक है, क्योंकि इस फिल्म में जो एक्टर्स ने एक्टिंग की थी, स्पेशली जेक जिलनहार और एरन टेलर जॉनसन ने जो इतनी रियलिज्म एक्टिंग की थी, और लाइक इट वाज जस्ट ऑसम। और वही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और एक चीज़ अच्छी लगी थी इस फिल्म की, जो है इस फिल्म की एडिटिंग। सो बेसिकली ये फिल्म में तीन अलग अलग प्लॉट लाइन्स चलती रहती है एक साथ, सो ऐसा रहता है। और इस फिल्म के एडिटर है, उन्होंने क्या किया था कि ऐसी ही हर बार में, एक ही शॉट में हर डिटेल नहीं दे दिए थे, लेकिन उन्होंने एकदम स्मार्टली खेला था कि ये डिटेल अभी नहीं देने हैं और वो बाद में ही देने हैं, और वो ऐसा शॉट्स बाद में रखने हैं, सिंस वो डिटेल बाद में पता चलेगा तो ही अच्छा रहेगा। और एक्चुअली वही एक काइंड ऑफ मिस्ट्री जैसा रखा था उन्होंने। और एक सच में डायरेक्टर टॉम फोर्ड ने एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर रखा था ये फिल्म को। और एक्चुअली मैंने रिसेंटली ही इस फिल्म के बारे में एक वीडियो ऐसे देखा था ऑन यूट्यूब। इस फिल्म के एडिटिंग के बारे में और भी ज़्यादा अच्छी बातें मुझे इस फिल्म के बारे में पता चली थी, इस वीडियो ऐसे के थ्रू पता चला था, जो मेरे फ्रेंड शरद अनंत ने बनाई थी। जो वीडियो एक्चुअली मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच भी की है, सो आप वहाँ पे देख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे भी, सो बेसिकली यहाँ पे भी इंडिया में भी काफ़ी सारे नॉन प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट करते रहते हैं फिल्म्स, जैसे रेमो डिसूज़ा और प्रभु देवा जैसे, वो कैसे कोरियोग्राफर्स है, लेकिन वो भी काफ़ी सारे ऐसे फिल्म्स कर चुके हैं। लेकिन वो दो और बहुत सारे जो फिल्म मेकर्स ऐसे हैं, वो कहाँ पे भी उन्होंने टॉम फोर्ड जैसा लेवल अचीव नहीं किया है, सैडली मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि टॉम फोर्ड ने ऐसा लेवल बेंचमार्क जैसा सेट कर दिया था उन्होंने, वो खुद एक नॉन प्रोफेशनल फिल्म मेकर रहे हैं। उसके वजह से इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, और वहाँ पे इस फिल्म को ग्रैंड ज्यूरी प्राइज़ भी मिला था। आई थिंक वो फेस्टिवल का थर्ड हाईएस्ट ऑनर है, या थर्ड हाईएस्ट ऑनर आई थिंक। आगे जाके इस फिल्म को एक एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन भी मिला था फॉर एक्टर माइकल शैनन। इस फिल्म को आप डीवीडी में देख सकते हैं। मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है 2016 की एक इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म कॉल्ड लविंग, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जेफ निकोल्स, स्टारिंग जोल एगर्टन एंड रूथ नेगा। ये फिल्म में जोल एगर्टन और रूथ नेगा के कैरेक्टर्स एक मैरिड कपल रहते हैं, और उनकी लाइफ काफ़ी सिंपल नॉर्मल चलती रहती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि पुलिस उन दोनों, वो फैमिली को, उन दोनों हस्बैंड वाइफ को अरेस्ट कर देती है।
जस्ट बिकॉज वो मैरिज एक इंटर रेशियल मैरिज थी। उसी कारण के लिए उन दोनों को अरेस्ट करते हैं और जेल में डाल देते हैं। सो उनके साथ आगे क्या होगा होता है ये फिल्म आपको देखना, ये फिल्म में आपको देखना होगा। ये बेसिकली ये फिल्म मेरी सबसे लीस्ट फेवरेट जॉनर की सबसे बेस्ट फिल्म है। और आई फील ये मेरी लीस्ट फेवरेट जॉनर है रोमांटिक जॉनर। और ये फिल्म मुझे लगता है कि ये फिल्म एक बेंचमार्क बननी चाहिए टू हाउ टू मेक अ रोमांटिक फिल्म, लाइक अ बेटर अ बेस्ट रोमांटिक फिल्म। क्योंकि ये फिल्म इतनी इतनी ब्यूटीफुल है और वो जो कैरेक्टर के बीच में, उन दोनों कैरेक्टर के बीच में जो बॉन्डिंग दिखाई है वो काफ़ी काफ़ी अमेजिंग थी और काफ़ी ब्यूटीफुल थी। इस फिल्म में जो जो कैरेक्टर्स थे उन दोनों के लिए, उन दोनों के कैरेक्टर्स की वजह से मैं इस फिल्म में बहुत ही इन्वेस्ट रहा था। और काफ़ी लाइक काफ़ी हद तक मुझे ये फिल्म बहुत ही इमोशनल भी लगी थी। जो लाइक बहुत ही कम और आई थिंक बहुत ही रेयर रोमांटिक फिल्म्स करती थी लाइक मेरे लिए तो। उसी वजह से ही ये फिल्म मुझे काफ़ी लाइक रोमांटिक जॉनर में तो बहुत ही अच्छी लगी थी। और आई थिंक इट्स वन ऑफ द लाइक टॉप थ्री रोमांटिक फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम फॉर मी। इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और आगे जाके इस फिल्म को एक एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन भी मिला था फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर रूथ नेगा, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी इस फिल्म में। इस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिल्म को आप डीवीडी में देख सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई फिल्म रिकमेंडेशंस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू दिस फ्राइडे फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द वीकली मूवी रिकमेंडेशंस। एंड स्टे सेफ।